Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, एक वर्कआउट वीडियो लेके आया हूँ आज. एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके बारे में आप बहुत कन्फ्यूज होते हो. मैंने इसके बारे में बात तो की थी, बेंच प्रेस के बारे में बात की थी, लेकिन डंबल प्रेस के बारे में बात कभी नहीं की. और जिसकी वजह से आप लोगों को ना कन्फ्यूजन हो रहा है और काफ़ी सारे मुझे मैसेज आते हैं कि मेरे शोल्डर में दर्द होती है, इंपिंजमेंट होती है जब भी मैं डिक्लाइन में बेंच प्रेस करता हूँ डंबल से. ठीक है, तो क्या करना है आपको मैं बताऊंगा आज, और क्या नहीं करना है ये भी बात करेंगे. ठीक है, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिटनेस न्यूट्रिशन का जल्दी ही, यानी कि वेंसडे को, दो दिन बाद ही. राइट, तो 13th of January से हमारा फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूट्रिशन के बारे में लर्न करने के लिए, किस तरीके से डाइट प्लान बनाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग को कॉम्प्लीमेंट करने वाली डाइट न्यूट्रिशन एडजस्ट की जाती है, मैक्रो सेटअप कैसे बनाया जाता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये कोर्स करना चाहिए. ठीक है, तो जल्दी मिलूंगा मैं आपको अकेडमी में. बट फिलहाल बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की. तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सेटअप एंड पोस्चर. याद है ना आपको, सेटअप और पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना. आपके पास इस तरीके की फ्लैट बेंच या जो भी आप यूज करते हो, कन्वर्टेबल यू नो एडजस्टेबल बेंच होगी जिम में. यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जब आप सेटअप बनाएंगे तो सिर्फ एक ही एंगल चेंज करना है, यू. तो एंगल आपका बनना चाहिए बेंच का ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास. कुछ लोग क्या है, वो बड़े वाले बेंच में लगाते हैं और इतना डिक्लाइन कर देते हैं कि सर उनका बिल्कुल नीचे पूरा जो उनका एंगल है बहुत ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं. सो एंगल इतना इनफ रहता है आपके डिक्लाइन बेंच में. अब डिक्लाइन बेंच की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले समझो कि ये टारगेट किसको कर रही है. डिक्लाइन बेंच में आपका टारगेट मसल जो है पेक्टोरिलिस मेजर का एब्डोमिनल हेड, यानी कि जो आपके एब्स से निकल रहा है, यू लोअर चेस्ट कह सकते हो, और दूसरा है एक्सटर्नल कॉस्टल जो आपका मिड चेस्ट. ठीक है, तो ये दोनों बिग चंक ऑफ योर पेक्टोरिलिस मेजर इसको ये टारगेट कर रहा है. नाउ अब दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है आपने, अपने बॉडी का पॉस्चर. जब आप यहाँ पे बेंच में बैठते हो तो इस तरीके से होगा हुक, आपको शूज को यहाँ पे हुक करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्लिप करोगे अगर हुक नहीं करोगे तो. ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऑलवेज हुक. और उसके बाद आप इस तरीके से पॉस्चर बनाएंगे. मैं आपको वेट के साथ भी दिखाऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ पॉस्चर देखिए. आपका ये जो लोअर बैक है इसमें स्लाइट आर्च होना चाहिए, स्लाइट आर्च, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक्सटेंड ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज पॉस्चर गलत हो जाएगी. हल्का सा थोड़ा सा गैप रहेगा इसमें, दैट्स इट, ज्यादा नहीं. अगर आपका हेड थोड़ा बहुत मूव करता है डंबल्स को नीचे लाते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, टच करके रखने की भी कोई खास जरूरत नहीं होती, हल्का सा अगर ऊपर भी है इट्स ऑल राइट. सो सेकेंड मिस्टेक है हमारी लिफ्टिंग की मिस्टेक. डंबल को लिफ्ट करते हुए कई सारे लोग गलती करते हैं. आपके पास डंबल सबसे पहले प्लेस यहाँ पे होने चाहिए पैर के पास. दूसरी चीज आप करेंगे, डंबल को उठा के सीधा अपने लैप पे रखेंगे यूं. उसके बाद हुक बनाएंगे, पहले लिफ्ट नहीं करना है, गिर जाओगे वरना, ऐसे हुक करना है. और उसके बाद यहां से डंबल को लिफ्ट करना है, इसमें पैर का पुश देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यू. ठीक है, क्लोज लेके आना बॉडी के, एंड देन अप. अब ध्यान आपको यहां पे ये देना है कि जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो इसके साथ साथ ड्रॉप कैसे करना है वेट को, ये भी समझना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने मैक्सिमम रेपिटेशन निकालने के बाद यू उठना. अगर आपके जिम में इस तरीके के ड्रॉप बैग्स हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे ही आपका सेट कंप्लीट हुआ, राइट, उसके बाद आपने यू करके ड्रॉप कर दिया वेट को आराम से. ठीक है, इससे क्या है, जिम की प्रॉपर्टी भी खराब नहीं होगी और आपको इंजरी होने के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि ये एक्सरसाइज करते हुए आप हैवी भी जाएंगे. राइट, डिक्लाइन मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि आप लाइट वेट ही इस्तेमाल करेंगे, यू कैन गो हैवी एज वेल, बट सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी. कैसे, लिफ्ट करते हुए बहुत ध्यान देना, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जब आप हैवी डंबल्स को भी उठाओगे, 40 उठाओगे, 50 उठाओगे, तो उस टाइम पे आपको खुद से उठाने में डिफिकल्टी होगी. तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक सिंगल डंबल खुद से लिफ्ट करो यू, और जिम में कोई भी आपके स्पॉटर हैं, फ्रेंड है, पार्टनर है, उनसे दूसरा डंबल लिफ्ट करके देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा. दिस इज अ राइट वे, क्योंकि ट्रेनिंग करने के साथ साथ आपको इंजरी फ्री भी रहना है. ठीक है, इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होता. पूछ सकते हैं आप लोगों को कि भाई ये डिक्लाइन बेंच में मुझे पकड़ा दीजिए वे, और आप सेफ तरीके से परफॉर्म करें. नाउ थर्ड मिस्टेक जो होती है लोगों की, वो है आपकी रिस्ट और शोल्डर का एंगल. अब देखिए क्या होता है, जब आप नीचे लेटते हैं तो फ्लैट बेंच की तरह ही आपकी क्या कोशिश होती है कि भाई वेट जो है यहाँ पे रखें और शोल्डर जॉइंट यहाँ पे हो. ऐसा नहीं करना है, आपका जो रिस्ट है यानी कि जो डंबल है वो आपके शोल्डर जॉइंट के इन लाइन होना चाहिए,
यानी कि फ्लोर से परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। अब ऐसा करने से क्या होता है कि एक पूरी लाइन में होने की वजह से जो लोड है वो सीधा जॉइंट में सीधे पड़ता है। अगर ऐसे लोड पड़ गया तो आपका जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है ये डिफिकल्टी में आ जाएगा, दिक्कत होगी उसको, ठीक है। जैसे ही लिफ्ट करोगे तो एक स्ट्रेट एंगल बनाना और इस तरीके से ही आपको इस मूवमेंट को करना है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में, रिस्ट और शोल्डर जॉइंट एक लाइन में। इसके बाद डंबल नीचे जाएगी, यू एंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग गलत करते हैं। सो चौथी मिस्टेक आती है यहां पे, पाथ ऑफ द डंबल। क्या होता है वो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पाथ जो है बहुत चेंज कर देते हैं। ये यहां पे रिब्स के पास लेके आ जाएंगे, ये यहां पे शोल्डर के पास लेके आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वही फॉलो करो, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे और इसी पाथ को फॉलो करते हुए डंबल भी आपकी नीचे आएगी और सीधा आपके लोअर पैक्स के पास यहां पे इतना, ठीक है, ये, और उसके बाद फुल कॉन्ट्रैक्शन डाउन एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, ये गिविंग द मसल स्ट्रेच एंड ऑल द वे अप। अब यहां पे ये भी ध्यान दीजिए कि एल्बो का एंगल, ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं, एल्बो बहुत वाइड खोल देते हैं। देखिए ये करने के लिए कर सकते हो लेकिन बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट है, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो क्या करोगे, एल्बो के एंगल को थोड़ा चेंज करो, अंदर की ओर रोटेट करो, ठीक है, और ऐसे लेके आओ। ये बहुत ही सेफ एंगल है, इसमें आप बहुत आराम से पैक्स को टारगेट भी कर सकते हो और आपको इंजरी भी नहीं होगी। ओके, अब क्या बचा हमारा, ब्रीदिंग एंड रेंज ऑफ मोशन। ओके गाइस, सो लास्ट मिस्टेक आती है यहाँ पे, रेंज ऑफ मोशन एंड ब्रीदिंग। अब रेंज ऑफ मोशन अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, ब्रीदिंग समझिए। टॉप पार्ट से आपको डंबल को लेके जाना है यहां तक आपके लोअर पैक्स तक, दिस इज द फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। इससे ज्यादा नीचे मत लेके जाना, शोल्डर आपका इंजर हो सकता है, यहां तक एंड ऑल द वे अप। अब ब्रीदिंग देखिए, जब आप नीचे आएंगे डंबल को नीचे इसेंट्रिक पार्ट में आएंगे, यू हैव टू इनहेल, अंदर सांस लेनी है, नाउ एक्सहेल। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डंबल डिक्लाइन बेंच प्रेस को लेके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिटनेस न्यूट्रिशन का बैच, वेंसडे से यानी कि दो दिन बाद, अगर आप चाहते हैं मैक्रो सेटअप के बारे में लर्न करना, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, यू नो, रिकवरी, ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।